एक प्रश्न है, क्या मनुष्य दूसरों के लिए ही जीता है? यह प्रश्न सचमुच बहुत ही समीचीन और आवश्यक है। हमारे मन में जो वृत्ति उठती है, हमारे मन में जो विचार आता है, उसके अनुरूप ही यह प्रश्न पूछा गया। और दूसरा कारण है कि हम देखते हैं संसार में, जिस संसार का प्रत्येक व्यक्ति सदैव दूसरों के लिए ही कार्यरत रहता है, इसलिए यह स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या मनुष्य दूसरों के लिए ही जीता है। इसका एक कारण यह है, पहली बात तो हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर एक अंध परंपरा, प्राचीन काल से एक परंपरा बैठी हुई है कि मुझे बताया गया बचपन से कि परोपकार करो, शास्त्रों की बात कही गई, दूसरे की भलाई करो, दूसरे का उपकार करो, दूसरे का कल्याण करो। यह सब बात हमारे दिमाग में बचपन से ही बता दी गई। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति उस बात के प्रभाव में आ गया, प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह बात बैठ गई कि मुझे दूसरे के लिए ही काम करना है। उदाहरण दिया गया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। यह उदाहरण दिया गया। सभी शास्त्रों का मत एक ही है कि हम लोगों को परोपकार करना चाहिए। अब देखिए, छोटी सी भूल हो रही है यहां समझने में। हम लोगों ने यह मान लिया कि परोपकार का मतलब है अपना विस्मृत करके, अपने को भुला कर, अपने को साइलेंट करके, अपने को साइड करके परोपकार करना, जबकि ऐसा है नहीं। मूल बात यह है कि जब कभी भी परोपकार की बात आती है तो पहले स्वयं का उपकार करने के बाद ही कोई व्यक्ति परोपकार की बात के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन जो यह अंध परंपरा बैठ गई कि हम भूखे रहे और दूसरों को खाना खिलावे, या मन में बैठ गई बात, और उदाहरण दिया गया अनेक। अब बताइए, कहा गया परोपकार आए बहंती नद्या, नदी परोपकार के लिए ही बहती है। परोपकार आई फलंती वृक्षा, वृक्ष भी परोपकार के लिए ही फलता है। परोपकारे राय दुहंती गाव, पर गाय भी दूध देती है परोपकार के लिए। परोपकार आए सतांग विभूति, महापुरुषों का यही लक्षण होता है। या जो कहा गया उसके गलत अर्थ हम लोगों ने निकाल लिया। हम लोग इसका अर्थ यह निकाले कि केवल परोपकार की बात कही गई है, अपने को गौण कर देना है। अब कहा गया कि परोपकार आए भंति नद्या, नदी परोपकार के कारण ही बहती है। अब आप देखिए, अगर नदी बहना छोड़ दे तो क्या होगा? नदी क्या उतना पानी रोक सकती है अपने गोद में? मजबूरन पानी को बहाना पड़ेगा।